सीआईएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। जो आपके सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, किन सब्जेक्ट में मिलेंगे, किन लोगों को मिलेंगे और ग्रेस मार्क्स लाने के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है कि इतने नंबर लाने के बाद ही आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दोस्तों आपको बताएंगे। दोस्तों सीआईएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आईएससी क्लास 12th के हों चाहे वो आईसीएससी क्लास 12th के हों, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि किनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है जिसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो आइए इन बातों पर पूरी तरह से वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, CBSE हो या CISE, दोनों ही बोर्ड ग्रेस मार्क्स के लिए कभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं बोलते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क्स देते ज़रूर हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपके सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही हुआ था, आपको ग्रेस मार्क्स मिले थे। आपके पास दोस्तों कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है क्योंकि CISE ने कभी भी ग्रेस मार्क्स को लेकर ऑफिशियल सर्कुलर नहीं जारी किया है और ना ही कभी फ्यूचर में करेगी, तो आप किसी भी तरह से ऑफिशियल न्यूज का वेट मत करिए। बट आज हम आपको बताएंगे कि किन सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं और किन लोगों को मिलने वाले हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि क्लास 10 के बच्चों का मार्क्स 80-90% तक चला जाता है और 12th के बच्चों का मार्क्स 80% तक ही या उससे अबव रहता है। तो क्या दोस्तों इतने अच्छे बच्चे हैं देश में कि वो 100 में से 90+% मार्क्स गेन करते हों? ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है बच्चों कि आपके रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इंटरनली दोस्तों ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं फिजिक्स का एक स्टूडेंट हूँ, आप मान लीजिए है ना, फिजिक्स का मैं स्टूडेंट हूँ और क्लास ट्वेल्थ का हूँ और फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और आपको मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में यानी कि बता रहा हूँ जैसे कि मैंने पास हो गया है। अब ग्रेस मार्क्स जैसे कि मान लीजिए मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल को पास कर लिया है। वैसे दोस्तों थ्योरी या प्रैक्टिकल में किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, बहुत ही ऐसे रेयर केसेस हैं जिनमें बच्चों को फेल कर दिया जाता है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में कभी भी फेल नहीं किया जाता है। सपोज दैट 70% नंबर यानी कि 70 नंबर में से आपका 23 नंबर आता है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, आपका 70 में से 23 नंबर आता है तो आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को 70 में से 23 के बजाय 18 नंबर ही आता है तो दोस्तों 99% चांसेस है कि जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, वो आपको किसी न किसी तरीके से पास कर देगा नंबर इधर उधर करके। 99.9% संभावना है दोस्तों इसकी, नंबर सेट करके आपको पास कर देगा। यदि सब कुछ कॉपी चेकिंग पे यानी कि आपका डिपेंड है, इन बातों से साफ हो जाता है। अगर कोई बच्चों का 70 में से दोस्तों सिर्फ 14 या 15 नंबर ही आ रहा है तब भी टीचर पूरी कोशिश करेगा कि आपको 20 के अबव ला के छोड़ देगा, यानी कि किसी भी हालत में आपको फेल होने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों साफ साफ इसका सीधा सीधा अर्थ ही निकलता है कि आपके 2022 के सेमेस्टर 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो आईसीएससी क्लास 10th के हों चाहे वो आईएससी क्लास 12th के हों, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ग्रेस मार्क्स के भरोसे ही नहीं बैठा जाता है, ग्रेस मार्क्स तब मिलते हैं जब आपने जितना मेहनत किया है उतना नंबर आप जितने एक्सपेक्ट किए हैं उतना ना ला पाए, उसके बावजूद वो जो टीचर अपनी तरफ से बढ़ा के देता है उसको ग्रेस मार्क्स कहते हैं। उसमें आपका कोई भी रोल नहीं होता है, ना उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। ग्रेस मार्क्स दोस्तों आपको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से पीछे हो जाएं, 70 में से सिर्फ 10 ही नंबर आपका है और फिर आप बोल दें कि सर हमको ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिला। सपोज दैट आप 70 में से आप 21 या 22% नंबर गेन कर लेते हैं और 23 या 24 पासिंग मार्क्स है, तो आपको पूरी तरह से दोस्तों ये संभावना है कि आपको 24 के अबव नंबर दे दिया जाएगा। इधर उधर नंबर सेट करके आपको एग्जामिनर इतना जरूर करेगा आपके लिए कि वो आपको ग्रेस मार्क देकर आपको पास कर देगा। तो दोस्तों इस क्राइटेरिया में, इस सिचुएशन में इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, यही फैक्ट है दोस्तों। क्योंकि चाहे CBSE बोर्ड हो या CISE बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो, कोई भी ग्रेस मार्क्स के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता है, कोई
इमरजेंसी या ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं करता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी वेट मत करिए, आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ और ऐसे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में हमको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। बात करें दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स और आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो दोस्तों ये सब सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेयरली बच्चे इन सब में फेल होते हैं, यानी कि इन सबको अगर आप एक महीने या डेढ़ महीने भी अच्छे से पढ़ लिए तो आपके एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स के ऊपर आप नंबर गेन कर पाएंगे। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, तब भी जाके दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इन सब सब्जेक्ट्स में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में आपको ग्रेस मार्क्स या बोनस मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ICSE क्लास 10th के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, ISC क्लास 12th के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। हाँ, देखा जाए तो ISC क्लास 12th वालों के लिए कुछ चीज़ों का ये भी प्रोविज़न किया गया है, क्योंकि दोस्तों 12th थोड़ा 10th से हार्ड लेवल का होता है, इसीलिए वहाँ पे 1-2% ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो यानी कि आपके ICSE क्लास 10th और ISC क्लास 12th के दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, लेकिन जो भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे वो 3 या 4 नंबर तक ही मिलेंगे, इससे ऊपर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ये चीज़ें मैं कन्फर्म रूप से कह सकता हूँ। तो दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करती रहनी है, किसी भी प्रकार से बीच में इंटरप्ट नहीं करना है पढ़ाई को। पढ़ाई करने के बावजूद अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं तो उसकी वजह से आप बेफिक्र हो जाइए, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। CISC इतना भी ख़राब बोर्ड नहीं है कि अपने बच्चों को वो लास्ट एग्ज़ाम में फेल कर दे। आपके सेमेस्टर 1 का नंबर भी आपके पास जुड़ेगा, आपके प्री बोर्ड का भी नंबर आपके पास जुड़ेगा, साथ ही साथ आपने जितनी भी थ्योरीज, प्रैक्टिकल्स और फाइल्स जो जो कुछ भी दिए हैं सबका नंबर आपको जुड़ के ही कंबाइंड आपको मार्कशीट बनेगी, तभी जाके दोस्तों आप पास आउट कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए। हमारे चैनल में सभी स्पेसिमिन सॉल्व करके ISC 12 और ISC 10th के हर सब्जेक्ट की स्पेसिमिन को सेमेस्टर 2 की हमने सॉल्व कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.icscihub.com में विजिट कर सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे छूटे ना और आपको हमेशा नोटिफाई मिलती रहे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल ICSE हेल्प को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।